राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन। क्या जानेंगे? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं, हमारा यह लेंस बना देते हैं, यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है, यह लेंस से प्रकाश किरण जा रहा है, इसका मुखज के समांतर प्रकाश किरण होता है तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाता है? मुख फोकस होकर गुजरता है। मुख फोकस से गुजर गई, यदि प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पी से उगता है तो सीधे चला जाता है, जहाँ पर दो प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का प्रतिबिंब हमारा बन जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं यह हमारा वस्तु है, प्रतिबिंब यहाँ पर रखा गया। मान लेते हैं वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई h1 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, वस्तु हमारा AO है, प्रतिबिंब का नाम हमारा IB रख देते हैं, प्रकाश किरण ये हमारा प्रकाशीय केंद्र P है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर आवर्धन को अगर ज्ञात करना होता, आवर्धन को हम डिनोट करते हैं एम से, प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का फर्स्ट लेटर एम होता है तो इसको आवर्धन करते हैं, आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है। आवर्धन बराबर होता है क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है? एम, एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अभी हम लोगों ने डिनोट किया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या था, हमारा h2 था, और वस्तु की ऊंचाई क्या था, h1 था। m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 अपन में वस्तु की ऊंचाई h1। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या था? h2, और वस्तु की ऊंचाई h1। तो m बराबर हो जाएगा h2 अपन में h1। उसी तरह देखा जाएगा कि प्रतिबिंब आवर्धन हमारा एक डिफिनेशन और बनता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी अपन में वस्तु दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से डिनोट की जाती है। आवर्धन m बराबर लिख सकते हैं, आवर्धन हो गया, आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। m बराबर हम लिख दे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा v से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु दूरी को हमेशा u से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या हो जाएगा? p से, प्रकाशीय केंद्र p से i के बीच की दूरी pi, pi हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी हो गया। प्रतिबिंब दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु दूरी हमारा कितना है? op है। ओ से पी के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन एम बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी अपन में वस्तु दूरी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? एम बराबर प्रतिबिंब दूरी अपन में वस्तु दूरी। वस्तु दूरी आवर्धन m बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी कितना है? v है, वस्तु दूरी u हो गया। तो m बराबर हो जाएगा m बराबर हो जाएगा v अपन में u। इसके पहले हम लोगों ने निकाला था m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन में वस्तु की ऊंचाई h2 बटा में h1। तो हमारा दो डिफिनीशन होते हैं आवर्धन के, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दो फॉर्मूले होते हैं, इस जिससे हम आंकी